जय हिंद जय भारत। मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मैं आज आपके लिए फिर एक बार एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक्सट्रीब्यूशन मीडिया आग बुझाने के साधन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियो पर वॉच करें, फेसबुक पर वॉच करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। और फायर फाइटिंग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं ऑल इंडिया या मेरे से जितने बंदे जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वो फायर फाइटिंग के मेरे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें। एक्सट्रीब्यूशन मीडिया क्या होता है दोस्तों? जिन जिन माध्यम का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है उसको हम एक्सट्रीब्यूशन मीडिया बोलते हैं या आग बुझाने के साधन बोलते हैं। जिन साधनों का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है उसको आग बुझाने के साधन कहते हैं। ये साधन चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है वाटर, वाटर टाइप एक्सट्रीब्यूशन मीडिया। नंबर दो होता है फोम टाइप एक्सट्रीब्यूशन मीडिया। नंबर तीन होता है पोलर टाइप एक्सट्रीब्यूशन मीडिया। नंबर चार होता है गैस टाइप का एक्सट्रीब्यूशन मीडिया। अब वाटर बेस्ट एक्सट्रीब्यूशन मीडिया है, आग बुझाने का सबसे अच्छा साधन है, तो वाटर के अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे, वाटर के अंदर कुछ ना कुछ गुण होंगे। वाटर के अंदर गुण होंगे तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ ना कुछ अवगुण भी होंगे। दोस्तों पानी बेस्ट एक्सट्रीब्यूशन मीडिया है, वाटर बेस्ट एक्सट्रीब्यूशन मीडिया है, आग बुझाने का सबसे अच्छा साधन है। एडवांटेज ऑफ वाटर, पानी के गुण, पानी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, आग बुझाने में सबसे पहले या सबसे ज्यादा पानी का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सबसे पहले पानी इको फ्रेंडली होता है, पानी हमारे वातावरण को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। पानी दूसरा नंबर क्या होता है, पानी हमारे वातावरण पर हर जगह पर इजीली अवेलेबल होता है, पानी इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह पे आसानी से मिल जाएगा। पानी के कुएं हैं, पानी का टैंक बने हुए हैं, रिजर्व टैंक बने हुए हैं, ट्यूबवेल हर जगह मिल जाएगी, रूरल एरिया में पानी झोड़ वगैरह पर मिल जाएगा, नदी नाले में मिल जाएगा, जिससे इमरजेंसी के दौरान फायर फाइटिंग हम कर सकते हैं। और 79% हिस्से में पानी हमारे पृथ्वी पर अवेलेबल है, 21% ऐसा है जहाँ पे पानी नहीं है, इसको बोलते हैं जिसको। और दूसरा पेड़ होता है इजीली अवेलेबल होता है, लेस कोई कॉस्टली नहीं होता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, आसानी से हमें मिल जाता है, सस्ता होता है। इसे सस्ता होने की वजह से हम ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज कर सकते हैं, ज़्यादा चार्जेज भी नहीं होता है इसका, इसलिए हम फायर फाइटिंग के दौरान इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हमारे और एक्सट्रीब्यूशन मीडिया है पाउडर गैस, ये ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी का टेम्परेचर दोस्तों 1650 डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट में 3000 फारेनहाइट होता है, यानी जो 1650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक की आग है सॉलिड के अंदर, लिक्विड सॉलिड के अंदर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कागज, कोयला, गत्ता इत्यादि, कपड़ा, रुई, कॉटन, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उस टेम्पर से आपका टेम्परेचर 500 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा होता है कि इसका जो जेट होता है वो सॉलिड होता है, क्योंकि पानी के अणु आपस में जुड़े होने के कारण हम उसका जेट बना सकते हैं। पानी के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलने से हमारा पानी बनता है और पानी का हम जेट बना सकते हैं। वो पानी के जो अणु जुड़े होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो 73 डाइन के फोर्स से जुड़े होते हैं, जिसका हम सॉलिड जेट बना सकते हैं, जो हम आग के पास ना जाके एक डिस्टेंस रख के और अपने आप को सेफ रखते हुए फायर फाइटिंग कर सकते हैं, सॉलिड जेट बना सकते हैं। ये पानी के अंदर एडवांटेज है। तीसरा, फायर वालों ने क्या करा है, अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 1 लीटर वाटर इक्वल टू 1 केजी, 1 लीटर पानी को 1 केजी के बराबर रखा हुआ है, इससे हम इजीली अपनी कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट होता है 1 लीटर पानी से हम 1700 लीटर भाप बना सकते हैं, स्टीम बना सकते हैं, और स्टीम बनाने से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई को कटअप कर देती है, जिससे आग का दम बढ़ जाता है और आग बुझ जाती है। यानी हम पानी को अगर भाप के रूप में चेंज करेंगे, जो उसका एक्सपेंशन होगा वो 1 लीटर वाटर से 1700 लीटर होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई को कटअप कर देता है, जिससे आग का दम बढ़ जाता है और आग बुझ जाती है। और 1 लीटर वाटर 4200 जूल केजी डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट होती है इसकी,
जो गर्मी को ऑब्जर्व करती है, गर्मी को सोखती है, जिससे हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आग बुझ जाती है। पानी के एडवांटेज के अंदर ये सब होता है। पानी इसलिए ही बेस्ट एक्सीक्यूशन मीडिया होता है, आग बुझाने का सबसे अच्छा साधन होता है और इसलिए ही आग बुझाने पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज ऑफ वाटर। डिसएडवांटेज सबसे पहले क्या होता है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है। जमे हुए पानी से हम फायर फाइटिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पे पानी जमने का खतरा रहता है वहां पर रिजर्व टैंक बनाए जाते हैं और रिजर्व टैंकों के अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है जो पानी को जमने से बचाता है, जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड नामक केमिकल जो पानी को जमने से बचा लेता है और इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई फायर या कोई इमरजेंसी होती है तो उस टैंक के पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें होज और कांच लगा के हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं और फायर फाइटिंग के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, पानी का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक फायर पे भी नहीं कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम अगर पानी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे तो हमें करंट लग सकता है। सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि आप इलेक्ट्रिक सप्लाई को कटअप करें और जैसा भी फ्यूल है उसको आप ऐसे ही एक्सटिंग्विशिंग मीडिया से एक्सटिंग्विश कर दें। सॉलिड है तो वाटर, लिक्विड है तो फोम और गैसीज है तो DCP और इलेक्ट्रिक फायर तो CO2 से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई कटअप नहीं कर पा रहे हैं, कई बार पॉसिबल नहीं होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई को काटना, तो अगर हम वाटर से ही उसको बुझाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें PP का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को हमें पहनना पड़ेगा और हम उसको जेट को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेक कर करके अगर उसको ऊपर चलाएंगे, किसी भी आग के ऊपर, इलेक्ट्रिक आग के ऊपर चलाएंगे तो करंट हमें नहीं लगेगा और हम फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, हम पानी का इस्तेमाल लिक्विड फायर के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर हमने लिक्विड के ऊपर पानी चला दिया है तो हम उसे नीचे, पानी नीचे चला जाएगा और लिक्विड हमारा ऊपर रहेगा। अगर पानी से ही हमें लिक्विड फायर का एक्चुअली यूज करना है तो हमारे पास एक ब्रांच होती है, फोग, फोग मींस होता है कोहरा, धुंध होता है, जो ब्रांच पानी का फोग बना देती है और लिक्विड फायर के ऊपर चला जाता है, वो ऑक्सीजन को सब कटअप कर देता है, लिक्विड अपनी फोग बन के लेयर बना लेता है, ऑक्सीजन सप्लाई कटअप हो जाती है जिससे आपका दम बुझ जाता है और आग बुझ जाती है। नेक्स्ट, पानी का इस्तेमाल हम मेटल फायर के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेटल फायर का टेम्परेचर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्लोराइड, इसका टेम्परेचर 2000, 3000, 4000, 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस फायर के लिए हम पानी का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि पानी का टेम्परेचर इससे बहुत कम होता है। अगर हमने इसमें इस्तेमाल कर दिया तो पानी के एटम अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन के अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अलग हो जाएंगे और हाइड्रोजन हाई फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, वहाँ पे बम बन सकता है, ये टूट जाएगा। और पानी इस मेटल्स फायर के लिए एक स्पेशल पाउडर होता है जिसका नाम है TEC, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आपको वाटर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया है। सभी फायर फाइटिंग के कर्मचारी या फायर विभाग के कर्मचारी आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, इससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं और आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।